अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में 7th क्लास के नेक्स्ट डेफिनेशंस और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं, आप लोग पहले वो वीडियो देख लें फिर ये वॉच करें, जिसमें पहले डेफिनेशन लिखी हुई है रेशियो की। फर्स्ट डेफिनेशन है रेशियो की। रेशियो क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू क्वान्टिटी, जैसे कि ए और बी के दरमियान, जैसे 5 और 6 के दरमियान रिलेशन्स होता है, ठीक है, उसको हम रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है कंटिन्यू रेशियो की। कंटिन्यू रेशियो क्या होती है? कि द कंपैरिजन ऑफ द रेशियो ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज़, ये रिलेशन शो करती है 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। कहते हैं द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ आमिर एंड इमरान, आमिर एंड इमरान की एज के दरमियान रेशियो कितनी है? 5:7:5। और कहते हैं कि एंड द रेशियो बिटवीन द इमरान एंड अली, ऊपर लिखा हुआ आमिर एंड इमरान और नीचे लिखा हुआ इमरान एंड अली, 3:5। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले हम आमिर इमरान और अली लिख लेंगे, उसके बाद पहली रेशियो देखो क्या लिखी है, 7:5, 7 इमरान की 5, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट चलना है इमरान, अब नीचे देखेंगे लिखा हुआ इमरान टू अली, अब इसमें जो फर्स्ट रेशियो होगी वो किसकी होगी? इमरान की। हमने पहले इमरान की लिखनी है, उसके बाद जो 2 होगी वो किसकी होगी? अली की जगह पे लिख लेनी है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि इस 7 को तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 7 3 21 21 आ गई आमिर की एज, ठीक है। और अब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15, और इमरान की एज आ गई 15। नेक्स्ट करते हैं, अब 5 को 2 के साथ तो 10 अली की एज आ गई। तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ गिवन हो और उनमें आप लोगों से पूछा जाए कि एज फाइंड करनी है, तो आप लोगों ने ऐसे ही अगर 3 नेम हैं लिख लेने और उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिफरेंट नंबर्स को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर नीचे वालों को ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने नंबर निकाल लेने हैं, उनकी एजेस आ जाएंगी। अब आमिर की एज इधर 21 है और इधर इमरान की एज 15 और इधर 10 है। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या होता है? अच्छा, प्रोपोर्शंस ये है कि 2 रेशो के दरमियान, अभी देखेंगे ए बी रेशो है और ये सी डी रेशो है, इनके दरमियान जो ये होगी ये प्रोपोर्शंस होगी, और इन 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान इक्वल का साइन जो शो करेगी उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शंस कहते हैं। अच्छा, और ये जो लास्ट में नंबर होंगे उनको एक्सट्रीम्स कहते हैं, मिड वालों को मीन्स कहते हैं। हम अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब इसके अंदर गिवन है हमारे पास एक्स रेशो 2 प्रोपोर्शंस 3:4। अब ये देखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई होके, और 12 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। अब ये 4 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, इधर आ जाएगा 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9, ठीक है। ये देखें इधर 9 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब प्रोपोर्शंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होती है उसमें ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन है। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। कहते हैं कि इफ़ आ पम्प राइज, एक पम्प है जो कितने लीटर वाटर निकालता है। हमने इसके अंदर पहला लिख लेना लीटर्स और उसके बाद लिख लेना टाइम। लीटर 600 और मिनट्स है 45। कहते हैं कि हाउ मच वाटर विल बी राइज इन 1 आवर, एक आवर में, एक घंटे में कितना पानी वो निकालेगा। अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60, ये लिख लेना। अब हमने क्या फाइंड करना है? लीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, लीटर फाइंड करना था। अब देखें कि 45 में वो 60 निकाल रहा है, तो टाइम के बढ़ने से लीटर भी तो बढ़ जाएंगे ना, जब टाइम बढ़ गया लीटर भी बढ़ जाएंगे, तो ये इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस बन जाएगी। और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को लिखने का तरीका ये होगा, जिस तरफ से एरो स्टार्ट होगा वो लिखनी है पहली रकम, फिर रेशो, फिर 600, फिर प्रोपोर्शन की अलामत, फिर 600, उसके बाद 45। अब ये x 45 से मल्टीप्लाई होगा और ये 60 से। अब ये देखें ना, ये बन जाएगा 45x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 45 इधर डिवाइड हो जाएगा, 45 इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ये 45 इसे कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई होके हमें आंसर दे देंगे 800 लीटर। तो ये हमें कितना लीटर पानी निकाल के देगी? 800। अब ये देखें ना, टाइम था हमारे पास 45 और हमारे पास लीटर कितने वाटर आ रहा था? 600।
टाइम बढ़ा तो लीटर भी बढ़ गया। तो इससे आप लोगों का पता चल जाएगा कि एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होगी, अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शंस होगी। अब इन्वर्स प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शंस कहता है कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज एंड अदर क्वांटिटी इज़ डिक्रीज, तो वो क्या हो जाएगी? इन्वर्स प्रोपोर्शंस हो जाएगी। हम इसके एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल ये वाले। इसमें कहता है कि पाँच मिस्त्री अगर एक घर को 120 दिनों में, 15 मिस्त्री, पाँच ही, ठीक है, 120 दिनों में बनाते हैं, तो हाउ मैनी, मतलब कितने मिस्त्री रिक्वायर्ड होंगे काम को कंप्लीट करने के लिए? 75 डेज में, ठीक है। इधर सॉल्व किया हुआ, अब 5 थे तो 120 दिन रिक्वायर्ड थे, अब 75 हो गए तो दिन तो कम लगेंगे ना, 5 ने 120 में कंप्लीट किया था, तो जब 75 डेज हुए, कम दिन हुए, तो मिस्त्री इधर ज़्यादा हो जाएंगे। अब हमने यही कैलकुलेट करना है। अब ये देखें लिखने का तरीका, एक्स इंटू फाइव और फिर प्रपोर्शंस, और इधर आएगा 120 और रेशो 75। अब ये 75 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये इधर आ जाएगा 75x इज इक्वल टू 5 × 120। अभी 75 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, 75 दोनों तरफ डिवाइड होकर इधर आंसर दे देगा 600। अब ये देखें ना, 75 किधर गया, ये रहा 5, जब 120 से मल्टीप्लाई होगा और 75 से डिवाइड होगा तो ये आंसर दे देगा 600, और 75 से डिवाइड कर देना, दोनों से डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब हमें कितने मिस्त्री रिक्वायर्ड होंगे? 8, ठीक है। ये थी इन्वर्स प्रोपोर्शंस की एग्जांपल। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:6 और बी रेशो सी इज़ इक्वल टू 9:12 के, तो फाइंड करें कि ये क्या बनती। अब हम इसको ना तरतीब से लिख लेते हैं, कहते हैं कि 3:6 इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं ना ए बी सी, ए की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3, बी की 6 और 9 और 3। अब ये देखें ना, हमने लिखा कैसे है, ऊपर से ए रेशो बी की वैल्यू हमारे पास 3:6 थी, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इधर देखें, कह रहा है कि बी रेशो सी, अब फर्स्ट वैल्यू जो होगी बी की होगी और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो सी की होगी। हमने ऐसे लिख लिया, ए रेशो ए बी सी ये लिख लिया था, और 3 फर्स्ट वैल्यू बी की होगी। अब नेक्स्ट में कहता है कि फर्स्ट वैल्यू बी की और जो बच गई है वो सी की होगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 9 को 6 के साथ और 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। अब 9 से मल्टीप्लाई होकर 27 दे देगा, 9 6 से मल्टीप्लाई होकर 54 दे देगा, और 6 12 से मल्टीप्लाई होकर 72 दे देगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि 27:54 कैन बी, अब कैन बी रिटन हैज, अब इसको हमने लिखना है सबसे छोटी फॉर्म में, 27 और 54 रेशो को। अब इसका मतलब ये है कि इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें जहाँ तक ये पॉसिबल हो सकता है। अगर हम 27 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाता है, तो ये 27 1 27 27 2 54। अब ये देखें, ये डिवाइड होते नहीं है, तो इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? 1 और 2, ठीक है। आज हम इधर तक ही करते हैं, नेक्स्ट हम एक या दो वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगी 7th क्लास इंशाल्लाह, फिर एड करेंगे, उसके बाद हम इस्लामिया स्टार्ट करेंगे।